हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग एकलव्य विद्यालय शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डील करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग दोनों टाइप के इंग्लिश, यानी कि जनरल इंग्लिश एंड सब्जेक्टिव इंग्लिश, पेपर टू, बोथ टाइप्स ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को डील करेंगे। हमने सेपरेट के बजाय अटैच वीडियो बनाया है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एक ही वीडियो में दोनों कवर अप हो सके। जनरल इंग्लिश की भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे और सब्जेक्टिव इंग्लिश का भी क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डील करेंगे। इसलिए एक ही साथ एक ही वीडियो में हम लोग दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सो लेट्स वेरी वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड विद सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड लेट्स ट्राई टू मास्टर ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए ग्रामर के क्वेश्चंस लाई हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसमें वी हैव टू फाइंड सिंगुलर एंड प्लूरल। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज माय हेयर इज और आर ब्लैक। देन इस सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, इज का यूज होगा या आर का, इसी चीज को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेयर जो है वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर इज हो जाएगा। माई हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस है माई गॉगल्स इज और आर मिसिंग। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो गॉगल्स वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पेयर वर्ड है। और पेयर वर्ड जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए प्लूरल होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में माई गॉगल्स के साथ आर का यूज होगा, माई गॉगल्स आर मिसिंग। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस भी इसी चीज को फॉलो करता है, मोहन सीजर इज और आर ब्लैंक। मोहन को देखकर कंफ्यूज ना हो आप लोग कि मोहन है तो सिंगुलर है, नहीं, मोहन के साथ क्या है, सीजर है। सीजर, कीप ऑन माइंड, सीजर है। सीजर हमारा क्या है, सीजर एक पेयर वर्ड है एंड सीजर क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा आर, मोहन सीजर आर ब्लैंक। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है द कैटल और कैटल्स वर गेजिंग इन द फील्ड। तो इस सेंटेंस में यू कैन सी दैट कि कैटल्स है और कैटल है। तो अभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ टाइम के लिए प्लूरल होती है, मैंने अभी अभी कहा है। तो कैटल भी हमारा उसी कैटेगरी का वर्ड है, तो यहाँ पे द कैटल ये हमारा राइट हो जाएगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है द वोमेन हैज और हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। कीट हैं वो फसल को बर्बाद कर दिए। वर्मिन भी हमारा इसी कैटेगरी का वर्ड है, वर्मिन भी क्या है, ऑलवेज प्लूरल हो। तो यहाँ पे हमारा वर्मिन के साथ है, द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ कर चल रहे हैं और यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाए हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सकें कि है हेयर, पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, दिस ऑल आर सिंगुलर फॉर लाइफ टाइम। सो डोंट यूज एस और ईएस विथ दिस। इन सब के साथ ईएस और ईएस का यूज, एस और ईएस का यूज ना करें। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेचर की। पेपर टू यानी कि हमारा जो सब्जेक्टिव इंग्लिश है उस, तो सब्जेक्टिव इंग्लिश को डील करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉडर्न एज से कवर अप करते हुए चलेंगे और आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी बहुत सारे एजेस की बातें भी करेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बहुत सारे लिटरेचर के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। सो वी विल स्टार्टेड नाउ, सो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड नाउ। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमिक कैरेक्टर टॉमी लंपकिन अपीयर इन। ये जो कैरेक्टर है टॉमी लंपकिन का, इन फोर ऑप्शंस में से ये कैरेक्टर किस वर्क का है आपको यहाँ पे बताना है। सी स्टूप्स टू कॉन्कर, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग, आर्म्स एंड द मैन, एंड नेक्स्ट है जो एंड द पेकॉक।
वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए सी स्टूप्स टू कॉन्कर। ये जो टॉमी लंपकिन का कैरेक्टर है सी स्टूप्स टू कॉन्कर का है। अगर हम बात करते हैं सी स्टूप्स टू कॉन्कर की, तो सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ कॉमेडी बाई ऑलिवर गोल्डस्मिथ एंड दैट वर्क इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंडन इन 1773 एंड द प्ले इज अ फेवरेट फॉर स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड थिएटर क्लासेस इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेस फ्रॉम द 18th सेंचुरी। ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ की वर्क है जो कि 1773 में पब्लिश की गई थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटो। कैटो इज ट्रेजडी रिटन बाय, और एक ट्रेजडी वर्क है और यहाँ पे फोर ऑप्शन है। ट्रेजडी को रिटन किया है ये किन की वर्क है? जॉन लिली, वेन जॉनसन, जोसेफ एडिसन एंड लॉर्ड बायरन। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जोसेफ एडिसन। कैटो इज अ ट्रेजडी इज अ प्ले रिटन बाय जोसेफ एडिसन इन 1712 एंड द फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन 14 अप्रैल 1713। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फॉलोइंग रोट एन ऑड ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट? हु इज द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम? योर ऑप्शन इज जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन एंड जी एम हॉपकिंस। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन। John Milton was an English poet and intellectual who served as a civil servant for the Commonwealth of England under its Council of State and later under of Oliver Cromwell. He wrote at a time of religious and political instability and it is best known for his epic poem. He wrote Paradise Lost and the Paradise Lost is very very famous work of John Milton. So here our right answer will be option B. Move on to the next question. Our next question is, who said that Shakespeare is above all modern writers the poet of nature? Your option is Arnold, Coleridge, Dr. Johnson and Dryden. So what is the right answer for this question? Right answer will be option C, Dr. Samuel Johnson. Samuel Johnson, often referred to Dr. Johnson, was an English writer who made lasting contribution of English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor, and lexicographer. You must keep on mind. Move on to the next question. Next question is, who critic does Philip Sidney not draw upon in Apologies for Poetry? इस नॉट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जो नॉट कंसीडर किया जाता है ना, अक्सर एस्पिरेंट यहीं पे गलती करते हैं, नॉट को वो लोग पढ़ना ही भूल जाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं। जो सिडनी के अपोलॉजी फॉर पोएट्री हैं, उनसे कौन से क्रिटिक हैं जो रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेटो है, एरिस्टोटल तो एकदम ही है और होरास भी है। ये लॉन्गिनस जो है ये उनके पोएट्री से रिलेटेड नहीं है। सेसियस लंगनाइस वाज अ रेटोरिशियन एंड फिलोसॉफिकल क्रिटिक। यू मस्ट कीप ऑन माइंड। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टेल ऑफ द कैंटरबरी टेल्स डज चॉसर प्रेजेंट द मॉब एज द स्टॉर्मी पीपल? कैंटरबरी टेल में 29 टेल्स थे, उनमें से कौन से टेल के अंदर में ये स्टॉर्मी पीपल कंसिडर किया गया है? योर ऑप्शन द मॉन्क टेल, द नाइट टेल, द क्लर्क टेल एंड द वाइफ ऑफ वॉच टेल। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, द क्लर्क टेल में स्टॉर्मी पीपल का जिक्र किया गया है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राइटन रॉक इज अ नॉवेल वाई? ये जो ब्राइटन रॉक है ये किन की नॉवेल है? ये योर ऑप्शन इज विलियम गॉडलिंग, एरिस मुर्डॉक, ऑल्डस हक्सली एंड ग्राहम ग्रीन। सो हु इज द राइटर, हु इज द पर्टिकुलर राइटर ऑफ दिस वर्क एंड व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड जर्नलिस्ट रिगार्डेड बाई मेनी एज वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड कम्बाइनिंग लिटरेरी अक्लैम विद वाइड स्प्रिट पॉपुलरिटी। सो ग्रीन अक्वायर्ड अ रेपुटेशन अर्ली इन हिज लाइफ टाइम एज अ मेजर राइटर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजडी?
योर ऑप्शन इज हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर. एंड एज वी नो दैट वेरी वेल, ऑप्शन बी मैकबेथ. मैकबेथ इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. हैमलेट तो सबसे बड़ा है, ओथेलो है, किंग लियर, ये सारे बड़े बड़े लार्जेस्ट ट्रेजेडी में कंसिडर किए जाते हैं, बट मैकबेथ शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी में कंसिडर होता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर्स फेस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक इज एन ऑड रिटन बाई ड्राइडन. इन अलेक्जेंडर के जो वर्क है फीस्ट और सब टाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक, उसी की तरह ड्राइडन का एक वर्क है, तो इनमें से वो वर्क कौन सा है? सो टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलवेज यू मस्ट कीप ऑन माइंड हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सेंट सेसिलियास डे रिटन बाई जॉन ड्राइडन. जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन वॉज एन इंग्लिश पोइट, लिटररी क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट हु वॉज अपॉइंटेड इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरियट इन द ईयर ऑफ 1668. यू मस्ट कीप ऑन योर माइंड, हमेशा इसको याद रखें. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय ब्राउनिंग इज ऑन द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन. सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी एच वेगलर. आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पुट हिम अमॉन्ग द फोर मोस्ट विक्टोरियन पोइट्स एंड ही इज वेरी फेमस राइटर. ऑलवेज यू मस्ट कीप ऑन योर माइंड. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस आई थिंक आज के लिए इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.